ठीक है बाद में ले लो। कर दिया पीछे जाओ फटाफट। अरे साहब नमस्कार। अरे गायत्री चंदोला है। अभी तो फिलहाल ये जस्ट स्कूल के जीजीआईसी दौलिया के पास वाला घर है, दौलिया डी क्लास में शादी हो रही है। वैसे तो बैंगलोर से अभी सोमेश्वर के रहने वाले हैं, तो अभी सोमेश्वर को ही जा रहे हैं। शादी हो चुकी है रात को, अभी विदाई होकर के जस्ट मैं आधे घंटे बाद विदाई के यहाँ पे वोट डालने के लिए आई हूँ। वोट डालने पहुंचने क्या सोचा कि शादी के अहम बंधन है और ये वोट डालना कितना जरूरी है? वोट डालना भी बहुत जरूरी है बिकॉज हम ही है जो युवा आगे गवर्नमेंट और सारी चीजों के लिए वोट नहीं डालेंगे तो सब चीजें सही कैसे चलेंगी। अपने जैसे युवाओं से, अपने जैसे बहन है, अविवाहित जोड़े, उनसे क्या अपील करेंगे? सभी लोगों को वोट डालना चाहिए। बिल्कुल वोट डालना चाहिए। कोई और संदेश देना चाहेंगे लोगों को, युवाओं को? बस यही देना चाहेंगे कि जितने से ज्यादा लाइक अभी कुछ टाइम से परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है वोटिंग का, बट 100% वोटिंग हो तो बेटर। देखिए मैं, मेरा नाम पीयूष जोशी है और आज हम मतदान करने पहुंचे हुए हैं। कुछ दिन पूर्व हम लोग देहरादून में थे, मगर स्पेशल जो है वोट डालने के लिए हम लोग अपना कार्य छोड़कर जो है मतदान करने आज यहां पहुंचे हैं। और मतदान करने का उद्देश्य केवल यह है कि 5 साल में एक बार हमें एक मौका मिलता है कि अपने मत का प्रयोग करें और अपने लिए जो है एक अच्छी सरकार को चुने। तो आज मत का प्रयोग करने हम आए हैं और पूरी जनता से, सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि मतदान ही ऐसी शक्ति है जो संविधान में हमें सरकार चुनने का अधिकार देती है। और इस बार 5 साल में हमें यह अधिकार मिला है कि अपने मुद्दों पर, अपने जो समस्याएं हैं उन पर वोट की छूट करें। तो मेरा सभी जनता से और सभी लोगों से, मतदाताओं से ये निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंचे। और जैसे सभी लोग अपनी नौकरी, अपनी सब चीज़ें छोड़कर आ रहे हैं, तो आप भी अपने मतदान केंद्रों तक पहुँचे। सरकार ने यहाँ सभी व्यवस्थाएँ की हुई है, पानी से लेकर तमाम व्यवस्थाएँ, दिव्यांग देखिए सभी युवा जो है आज प्रदेश में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं वोटिंग में, चाहे मतदान हो चाहे चुनाव प्रचार हो, सभी जगह युवा जुड़ों की अहम भूमिका है और युवा अहम भूमिका निभा रहे हैं। और युवाओं ने इस बार ठाना भी है कि जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है मतदान करेंगे और युवा बढ़ चढ़ के जो है मतदान में भाग ले रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो है एक शादीशुदा जो है जो कन्या थी वो भी वोट डाल के गई हैं, उनका वो भी युवा थी। और बाकी अन्य भी जो दिल्ली, देहरादून, जो जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ से सभी लोग वापस आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो बदलाव चाहते हैं।